चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता से जो वकालत के साथ साथ उनके अपने शौक भी अनोखे, अकल्पनीय, निराले हैं। चलिए मिलते हैं सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से। नमस्कार श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके जो शौक हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, सोसाइटी के लिए अनोखे हैं, वो तो मैं बाद में पूछूंगा ही। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बुंदेलखंड झांसी के आप निवासी कहाँ के हैं? मैं मूल रूप से ये जनपद जालौन में पिरौना ग्राम स्थित है, वहाँ के रहने वाले हमारे पूर्वज थे और मैं श्री विजयराम पटवारी जी के पुत्र श्री चरणदास जी का पुत्र हूँ। आपके फोर फादर यानी पिताजी क्या करते रहे? मेरे पिताजी जो है रेलवे में यहाँ रिटायर्ड ओएस रहे हैं, टिकट चेकिंग स्टाफ का होलसेल इंचार्ज उस समय थे। श्रीवास्तव जी, आपका जो वकालत का जो पेशा है ये कब से निरंतर जारी है? मैं 1972 में स्टूडेंट लाइफ से LLB क्रॉस किया, उसके यही झांसी से किया था, झांसी बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से मैंने क्रॉस किया था। इसके पश्चात जो मैं सिविल साइड पर जो सिविल प्रैक्टिशनर हूँ, दीवानी न्यायालय में काम करता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दयाराम गुप्ता साहब के पास मैंने ट्रेनिंग ली। जैसा कि मुझे पता है कि आप बहुत सारी झांसी की नामचीन संस्थाओं के विधि सलाहकार भी रहे हैं, तो उनका भी उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। मैं 1987 से ये 2023-2020 तक डायमंड सिविल झांसी इसके बिल्लास की फैक्ट्री थी, तो जर्मन मैं इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के पास है, वहाँ का कंसल्टेंट रहा हूँ 1987 से आज तक। तत्कालीन नगर पालिका परिषद और वर्तमान नगर निगम का झांसी नगर निगम का विधि सलाहकार रहा हूँ और आज भी हूँ। और इसके अतिरिक्त जो है भारतीय स्टेट बैंक का 1988 से मैं उनका नाम का अधिवक्ता आज भी हूँ। और छोटी संस्थाओं में बड़ा गाँव टाउन एरिया में मैं वहाँ 1987 से ही लगभग 2018 रहा, उसके बाद मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। और भारतीय रेलवे में जो है का मैं उनका वकील रहा हूँ सलाहकार के तौर पर 1996 से 2021 तक मैं उनका सलाहकार रहा हूँ। 21 में वर्तमान में पॉलिसी चेंज आने के बाद अब वहाँ का वकील नहीं जी। 2005 साल में वहाँ का भारतीय रेलवे का स्टैंडिंग काउंसिल झांसी करा जी। श्रीवास्तव जी, इसके चलते आपने एक पुस्तक का भी लेखन किया है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को पुस्तक दिखाइए आप, जो आपने नगर निगम के माध्यम से ये आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये मैंने नगर निगम में तत्कालीन नगर आयुक्त श्री चंद्रपाल सिंह के आदेश के मुताबिक झांसी नगर निगम के जो बायलॉज थे वो विधियाँ वो कहीं असंकलित रखी हुई थी, मिल नहीं रही थी। अच्छा, उसको विधिवत आपने संजोया? विधिवत संकलन उसका किया मैंने, वो संकलन के बाद यहाँ भी इसका प्रकाशन नगर निगम झांसी के द्वारा कराया। तो ये पुस्तक नगर निगम का एक तरीके से संविधान बन गया? मैंने संविधान तो नहीं है, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंतर्गत ये नियम है कि कानून तो अलग है, लोकल स्तर पर हर नगर पालिका की नगर निगम की अपनी बायलॉज होती है जिनके द्वारा वो लोकल कानून को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। कंट्रोलर की विधियां यही है इसमें साथ। ठीक है, जैसा कि मुझे पता है कि आपने अपनी परिवार की कुटुंब की वंशावली भी बनाई है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप उसके बारे में भी बताइए और दिखाइए भी। ये पहले ये इसका पहला पेज खोलिए। हाँ, ये दिखाइए हमारे दर्शकों को।
इसका उद्देश्य क्या था, क्या क्यों आपने जरूरी समझा? असल में कायस्थ परिवारों में और सभी 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 बिरादरियों में एक्चुअली पूजा पाठ के पर्पज से शादी ब्याह में बाहू की पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है। कुल देवता की पूजा के समय सभी जितने दिवंगत आत्माएं होती है उनको भी हम आह्वान आह्वान करते हैं। उस आह्वान में विधि में जो है जो सीनियर मोस्ट उस समय मेंबर रहे अपने मेरे होस्ट के टाइम पे, उन सीनियर मोस्ट मेंबर्स का मिजाज पोशी हम लोगों को करना पड़ती है। अगर वो कहीं रूठे हैं तो उनको मनाने जा रहे हैं साहब आइए बैठिए। तो उसको इन सब बातों से निजात पाने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि परिवार की वंशावली पूरी बनाई जाए। बड़ा शोध पर काम हुआ। मेरे ग्रैंड फादर के टाइम पे उनकी डेथ जब 1982 में हुई है तो कुछ उनके लिटरेचर हाथ का लिखा हुआ मिल गया था। फिर बाद मैंने सारी जितनी ब्रांचेस थी उनके पास जाकर के परिवार की जितनी ब्रांचेस थी शाखाएं उनमें जाकर के कंसल्ट किया, किसी से पत्राचार से व्यवहार किए, वो पत्रों का संकलन भी मैंने इसमें किया है। जी तो 1984-85 से जब टाइपिंग मोड था तो टाइपिंग में बैठ करके मैं किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, आज की तारीख में मैंने पूरा कंप्यूटराइज इसको कर दिया। अपडेशन के पर्पज से मैं सारी अपनी ब्रांचेस का जो पिछले 5 करोना पीरियड तक का था उसका संकलन में कर चुका हूँ। इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ सभी की जो करेंट में बच्चे हैं और दूसरा डेट ऑफ बर्थ के अलावा डेट ऑफ डेथ भी, प्लस जो फोटोग्राफ्स मुझे उपलब्ध हुए बुजुर्गों के दुर्लभ उन फोटो दुर्लभ फोटोग्राफों को मैंने प्रिंट किया। और जो बीच में जो सीनियर जब वो जो दिवंगत आत्माएं चली गई उनने भी जो जानकारी दी उनके पत्राचार और फोटोग्राफ जो थे वो भी मैंने इसमें संकलित कर लिया। साथ ही कायस्थ परिवारों में चित्रगुप्त जी की संतान जो है 12 हैं, उन 12 परिवारों में कौन कौन सी 12 परिवार हैं, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में है इंडिया के, कहाँ पर ज्यादा मिल सकती है, चाहे सक्सेना हो, चाहे माथुर हो या भटनागर हो या कुलश्रेष्ठ हो, तो उसमें उनके सब जानकारी दी है दिशाओं की, यहाँ ये युग ज्यादातर मिलेंगे। और बुंदेलखंड में जितने कायस्थ हैं उनके लोगों को अभी भी हम लोगों को भी तमाम लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे ये जो है हम किस कुल के हैं, वो हमारे देवता कौन है, क्या है गोत्र क्या है या उनके हम किस गोत्र के हैं। तो उन गोत्रों की भी जानकारी मैंने कोशिश करके सारी की सारी जानकारी बुंदेलखंड के जितने कायस्थों के गोत्र हैं उन सब गोत्रों की उपगोत्रों की सारी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। फिर इस पुस्तक का आगे आपने क्या प्रयोग किया, क्योंकि ये एक शोध पर ग्रंथ बन गया है? ना, मैंने फिर इस पुस्तक का ये किया कि जितनी हमारी परिवार की वंश की जो वंशावलियां ब्रांचेस थी उन ब्रांचेस को इसका पीडीएफ बना करके और पीडीएफ के बाद सबको भेज दिया कम्प्लीटली सारी ब्रांचेस के बाद। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया फोन पर। इसके अतिरिक्त इनकी इस किताब की अपने पास पांडुलिपि और पेन ड्राइव में मैंने अपने पास स्टोर रखी। जी शिवस्तर जी, एक आपका बहुत महत्वपूर्ण शौक है जो संगीत से जुड़ता है, कब से आपको संगीत में रुझान रहा और ये मतलब आपके मन में संगीत के प्रति ललक कब से पैदा हुई? क्योंकि आपका जो पेशा है वकालत वो इसके साथ मिसमैच करता है। वो मिसमैच तो खैर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि 1960 में 6th क्लास में एडमिशन लिया था मैंने SPI इंटर कॉलेज, वहाँ पर म्यूजिक हम लोगों के लिए ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था लेकिन ऑप्शनल था कि म्यूजिक लेंगे या आर्ट लेंगे या बुक क्राफ्ट लेंगे, तो म्यूजिक मैंने ऑप्ट कर लिया था। जी तो म्यूजिक में जाकर के उस समय हमारे SPI कॉलेज के टीचर थे मिस्टर जनक प्रसाद दुबे जी, उनके सानिध्य में मैं रहा। उन्हीं के सानिध्य में मैंने फिर संगीत पढ़ाकर और संगीत विशारद प्रयाग संगीत समिति से स्टूडेंट लाइफ में क्लास इंटर 10th के तक ये कम्प्लीट कर लिया था। जी और फिर हाई स्कूल में जो है SPI इंटर कॉलेज में संगीत था नहीं, इंटरमीडिएट में ये संगीत क्लासेस थी तो उसमें विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में चला गया। तो वहाँ पर मिस्टर पुरंदे साहब थे, दुर्भाग्य से पुरंदे साहब का भी जो है मैं इंटरमीडिएट पूरा नहीं कर पाया था, फर्स्ट ईयर में ही उनकी उस फर्स्ट ईयर के पीरियड में ही उनकी डेथ हुई थी 1966 में। तो फिर वहाँ से छोड़ के चला गया। अब उसके बाद मैं ये रह गया कि या तो रोजी कमा लें, संगीत जब आपको इतना रुझान था आपका तो आपने संगीत को कैरियर नहीं बनाया? संगीत को कैरियर बनाया मुश्किल ये था कि संगीतकारों की मैं देख रहा था झांसी में भी अभी भी ये है जो जीविका उपार्जन नहीं हो पाता था, उपार्जन तो हो नहीं रहा। मैंने उस्ताद आदिल खां को भी देखा तो धोती आदि धोती फटी पहने घूमते रहते थे यहाँ,
या ज्यादा संगीत सम्मेलन तो उनको पानी दे, फिर आपने मैंने उसको वकालत चुनी। फिर मैंने फिर इंटरव्यू हमने पास उतना आय के साधन पिताजी के पास भी नहीं थे जी, वो तो क्लास थ्री के एम्प्लॉयज थे जी, तो उसमें साधन के संपन्नता में यहाँ बीए था, यहाँ बीए ज्वाइन कर लिया, बीए वाले में चला गया, यही तक रेलवे तक ठीक रहा, कभी संगीत छोड़ दिया। आपका आपके पास एक बहुत दुर्लभ संगीत का खजाना है, बहुत सारे एलपीज और छोटे बड़े हैं, उनके बारे में भी आप हमें जानकारी हमारे दर्शकों में संचित करें। मेरे पास असल में चूंकि संगीत का शौक था तो पहले इसका एचएमबी का जो है छोटा सा बॉक्स टाइप स्टेज स्पीकर टाइप आता था, तो शायद उससे मैं 200-250 रुपए दफा अपने प्रॉफिट अलाउंस सुख ले लिया। कुछ छोटे रिकॉर्ड्स आते थे एचएमबी के जी, तो वो परचेस कर लेता था अपने प्रॉफिट अलाउंस स्टूडेंट लाइन, फिर धीरे धीरे वो शौक में आज की तारीख पे स्टूडियो रखा हुआ था मेरे पास, लेकिन पिछले 20 साल से उस इसको स्टूडियो भी आउट ऑफ ऑर्डर रखा हुआ था। बीच में हमारी मदर ने या बच्चों ने प्रेस किया कि इसको हटाओ, एक कबाड़ है तो वो कबाड़ की बचने से मैंने कहा इसको रखा रहे, तो पिछले 5-6 साल पहले उसमें आपकी आत्मा बसने वो तो रिकॉर्ड सब रखे हुए थे, तो फिर 7-8 साल पहले मुझे एक कैंटोनमेंट बोर्ड बबीना में शिव कुमार यादव जी हैं वरिष्ठ कर्मी है वो जी, तो उनका कुछ मकान अकान बन रहा था, तो मैं बीच में कंप्यूटर पे बैठने में ज्यादा कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसमें से जानकारी ली कि एचएमबी रिकॉर्ड कहाँ मिल सकते हैं क्या है, कंपनी को भी फोन किया जो रिकॉर्ड प्लेयर्स पे मेरे पास टेलीफोन नंबर थे, तो उससे वो नो रिप्लाई जा रहा था लैंडलाइन पर। फिर मैंने जाना पूछा जाता है झांसी में भी तमाम एजेंसियां थी जी, तो वहां पे भी जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने कह दिया कबाड़ी है कबाड़खाना है, तो उस लड़का वो दिल्ली जा रहा था, तो नेट से मैंने ये जानकारी ली कि दिल्ली में कहीं दुकान है। अच्छा, रिपेयर कराना था आपको? रिपेयर कराना था, जो भी है उसका क्या उपयोग है, तो अच्छा उसमें भी कुछ घुन लग गया था लकड़ी में, तो घुन बेकार हो गया था, तो वो रिपेयर कराने के पास मैंने वहां दिल्ली फोन किया चांदी चौक में दुकान दिल्ली में, उन्होंने कहा आप भेज दीजिए इसका फोटो, तो फिर उन्होंने लड़कों से फोटो निकलवाया, तो उसको भेजा, तो मैंने कहा हम रिपेयर कर देंगे। उस लड़के वो रिपेयर वाला पार्ट आज भी आपके पास है? फिर वो यादव लड़का जो है वो दिल्ली जा रहा था, तो उसको मैंने दिया पैसा अपना आने जाने का खर्चा ले लो और इसको रिपेयर करा के लिया, तो वो अपने काम से गया था, तो उसको रिपेयरिंग के लिए डाले आए शॉप जी। करीब 1.5 महीने बाद मेरे पास रिप्लाई आया कि उसका बॉक्स जैसा था हमने सब सेट करके दे दिया, और उसकी सुई भी उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में तो 12 आने की 2 रुपए की सुई आती थी, आज वो 650 रुपए की सुई मुझे पड़ी थी उसके लिए, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके पार्ट्स मिल गए, पार्ट्स मिल गए, पार्ट्स उसने ठीक ठाक करके दे दिए, पूरी जितनी बॉडी उसने यहाँ कई जगह पड़ी रही, लोगों ने कहा हम बना देंगे, नहीं बना पाए, बाद में फिर पार्ट्स वो सब असेंबल करके, क्योंकि वो दुकान ही जहाँ दिल्ली में है चांदनी चौक में, उसमें सिर्फ ये रिकॉर्ड के काम है जी, रिकॉर्ड के कवर भी उनके पास थे। तो अभी आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप गिनती में ऐसे बताएं? लगभग मेरे पास 218 रिकॉर्ड्स हैं एलपी, सबसे अलग अलग उसके मॉडल होते हैं, 45 आरपीएम का है, 18 आरपीएम होते हैं, 33.5, तो 33.5 में तो एलपीज होते हैं बड़े वाले, तो एक एक रिकॉर्ड में उसमें 12-12, 15-15 गाने होते हैं, छोटे वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं 45 आरपीएम के उसमें 4 गाने होते हैं, एक तरफ 2, 2 तरफ 2, ये 4 गाने इस हिसाब से मेरे पास है। कुछ मेरे मोहल्ले में जो एक सज्जन मिस्टर अवस्थी रहते हैं पड़ोस में, तो अवस्थी जी के पास पड़े थे, तो बातचीत करते करते बोलने का भाई साहब मेरे पास ही पड़े हैं, मैं दिवाली में निकाल के दे रहा हूँ, तो 25-25 तो मैंने फिर कोरोना काल में बैठ के उन सब लिस्टिंग की, तो उनकी लिस्टिंग करोगे अपडेट मैंने बना दी, और कोशिश ये कर रहा है कि एल्बम बन जाए, एल्बम बन नहीं पाया सही जी, वो मेरी चॉइस का था, क्योंकि पहले रेडीमेड एल्बम बनते थे, अब वो एल्बम मिल गया। हाँ, तो वो उसके लिए प्रयास तो मैं प्रयासरत में ये कोशिश, फिर मैंने लकड़ी का बनवाने का सोचा, तो लकड़ी की ज्यादा कॉस्ट पड़ी, प्लास्टिक के 2 बॉक्स लाया तो सेव करने के, उनको सेव बने रहे। शास्त्र जी, आपका एक शौक बागवानी भी है जी, उसके बारे में ही बताएं कि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा क्या है आज? वो तो ऐसा है कि मैं सवेरे मॉर्निंग में करीब 5 बजे 4:45 बजे जब नींद खुल जाती है उतने को उठ जाता हूँ, और सवेरे छत पे चला जाता हूँ, तो वॉकिंग के पर्पज से मैं पहले जाता था, तो वॉकिंग में क्या होता था कि रास्ते में तमाम लोग नमस्ते तो करते थे सम्मान से, लेकिन वो साथ में चलने के बाद वो अपनी उनकी पारिवारिक समस्याएं शुरू हो जाती थी, शांति से घूमने लगे थे, तो मैंने घूमना बंद कर दिया, तो मैं छत पे चला जाता हूँ, तो करीब 72 गमले मुझे हिरासत में मिले थे जी, उन गमलों को मैं सजा था, क्यों मैं पानी वानी शुरू डाल दिया, करीब 5 से लेके 5:30 से 6:45 चला जाता हूँ, तो 7:15 तक आता हूँ, उसके बाद मैं जागरण का पाठक हूँ अभी तक जी, स्टूडेंट लाइफ में मोहन दादा के नाम से जागरण करता था जी,
उसका भी मैं स्टूडेंट लाइफ में वहाँ की डाक में डाल आता था भीतर पढ़ाई के लिए लिफाफे में कविताएं बताओ जो चुटकुले थे बाद में। इसके अलावा भी कोई ऐसी शौक जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? वो ये है कि मेरे पास एक पुराना रेडियो रखा हुआ था 74 का, मैरिज की बात कर मैरिज में मिला था क्या? पहले शादी में रेडियो साइकिल थी मुझे। जी जी, तो रेडियो मेरे पास रखा हुआ तो वो भी सब अच्छा। एक मेरे फादर, मेरे फादर के टाइम का फादर का था जी, वो तो मदर ने हमारी सब निकाल दिया, इसको हम बचाए रखे हैं जी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप इतना सब ये विरासत को बचा के रखने की ताकत लगा रहे हैं, आपने अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाया? आपके बाद इसकी इन सब चीजों की देख रेख कौन करेगा? ऐसा मेरे बच्चे ही हैं, सब करेंगे भाई, जो पेरेंट्स का देखेंगे। आपके तो बच्चों को आपके शौक में लगाव है, मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं उसको? उतना कॉपरेट करते हैं, ऐसा नहीं अप्रिशिएट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। बीच में मेरा ऐसा में गांव में मेरा पुश्तैनी मकान भी था जी, तो म्यूचुअल पार्टीशन के बाद फादर के पास जो शेयर था वो तो बिल्कुल कूड़ा घर हो गया। उस कूड़ा घर को भी मैं संजय बनाए रखने के पर्पज से भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनी रहे वहाँ। फिर मैंने जाके 2012 में वहाँ पे कंपनी 70x32 का मेरा एरिया था कबाड़खाना, उसको जाकर के कंपाउंड वाल बनवाई। कंपाउंड वाल के लिए 32x12 का कमरा मैंने पितरों के नाम का बनाया वहाँ। और ज्वाइंट फैमिली सेटअप में एक हमारे पास बगीचा था, उस बगीचे में 10x10 का वहाँ शिव जी का शिवालय था पहले से। अच्छा अच्छा, एक पेड़ नीम के पेड़ के नीचे शिव जी की फूक भर रखी थी डेली, उसको झाके था मैंने उसको सेटअप कर दिया जी। तो 10x10 का वो मंदिर और उसमें ये कौन सी लाइट आती है ऊपर बैटरी वाली, अच्छा वो सोलर लाइट वो लगवा दी। इस मकान में मैंने 32x12 का कमरा था उसको इस हिसाब से समझो दिया, 5x12 का मैंने लेट बाथ अटैच्ड और 5x12 का किचन प्लेटफॉर्म रेस्ट हॉल। अब शिवा सर जी, अब मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि म्यूजिक का पक्ष आपका बड़ा अनमोल है और उससे अभी हमारे दर्शक बंचे थे, मैं चाहूंगा कोई आपकी पसंद का जो बहुत बेहतरीन आपका गाना हो वो आप गुनगुनाइए, उसका मुखड़ा या अंतरा बस। रे पंछी चल जा, रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल जा रे पंछी। एक मुखड़ा भी सुना दीजिए अगर याद हो तो, नहीं तो फिर मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ कि ऐसा वो वाला गाना आप सुनाइए हमारे दर्शकों को जो आपकी धर्मपत्नी को भी बहुत पसंद है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बहुत शानदार श्वेता जी, जैसा कि आप परसों से जानते हैं बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोशल लोगों को जोड़ता है, आप जैसे हुनरमंद और विलक्षण लोगों को हम ढूंढ के रिकॉर्ड करते हैं, आप हमारे दर्शकों को युवा दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए छोटा सा। अपने आपके दर्शकों के माध्यम से दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम जितना जो बुजुर्गों के द्वारा हमको जो पारिवारिक संबंध दिए हैं उनको कृपया संजय रखें अपने, जिस स्तर से भी हो सके करें। ठीक है, तो ये थे सुरेंद्र श्रीवास्तव जी जो अपनी म्यूजिक यात्रा, अपने पारिवारिक यात्रा और बहुत सारे अनछुए पहलुओं को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।